मैं गया वहाँ, मेरा लड़का खत्म हो गया था, नमाज पढ़ रहे थे, 5 मिनट लगभग टाइम था, तो ऐसे मतलब आवाज़ आया कि जो कि एक्सीडेंट डंडा करके भाग रहा बच्चा, वो जेसीबी वाला, तो उन लोगों आए हम लोग तो देखे बच्चे मौके पड़े हुए थे, तो वो लोग 2-4 लोग लेके भागे उसको। जानकारी हुई कि एक दीवाल गिरने से 4 बच्चे दब गए थे, जिसमें एक की मृत्यु तत्काल हो गई थी मौके पे, बाकी अभी सूचना मिल रही है कि 2 और बच्चों की डेथ हो गई है, कुल 4 में से 3 की डेथ बताई जा रही है। और यहाँ मौके पे जो पोजीशन है, ये बालू गिरा हुआ था और बालू को जेसीबी से हटवाया जा रहा था, और शायद दीवार पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया होगा और बच्चे बगल में होंगे, दीवार गिर गई है उनके ऊपर, ऐसे ही घटना हुई है। अभी ये नालियों के बारे में तो अभी आए हैं तो हम उसको भी देख लेंगे, बाकी मुख्य रूप से तो ये घटना थी और जैसी जानकारी मिली हम लोग तुरंत मौके पर आ गए हैं और बाकी देख रहे हैं। ये सहायता चूँकि ये एक्सीडेंटल केस है, तो इसमें हम जिलाधिकारी स्तर से बात करके, दैवीय आपदा होता तो मैं तुरंत घोषणा कर देता, लेकिन ये दैवीय नहीं है, एक तरह से ये मानवकारित घटना है, तो इसमें यही हुआ कि मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दिलाने की कोशिश की जाएगी।